ये जो आपका कॉलेज रहा तो क्या कोर्स वर्स क्या किया? ह्यूमैनिटीज यार मैंने, हाँ मैंने वैसे प्लस टू में किया है, ट्वेल्थ तक मैंने कॉमर्स किए, बट फिर कॉमर्स में कुछ खास डाल गली नहीं, वो मेरे को पहले नहीं पढ़ता था कि कैसा था, पर टैली नहीं होता था भैंस के यहाँ कुछ, तो वो क्या करता था फिर मैं ना आंसर पूछ लेता था बगल वाले से कि फाइनल आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, हाँ तो उल्टा जाने का, हाँ तो उल्टा जाता था मैं, तो टीचर ने एक दो बार पकड़ लिया, टीचर ने बोला ये बेटा फिर तो तुम छोड़ ही दो, तुमने क्यों किया भाई कॉमर्स, मैंने क्योंकि सारे दोस्त यही थे मेरे कॉमर्स में, तो वहाँ मुझे अलग फील होता, तो उसने बोला ठीक है, और जैसे जैसे निकल गया ट्वेल्थ बोर्ड हो गया सब कुछ हो गया, फिर जब कॉलेज में एडमिशन की बात आई तो मेरे को मेरिट पे ही नहीं मिल रहा था वो, मेरे 74 पॉइंट कुछ थे, 74.25 मेरी परसेंट थी ट्वेल्थ में, और इसके लिए चाहिए होती है 93। मैंने कहा हो गया, फिर मैंने कहा इसके आसपास चलता फिरता क्या, तो फिर देखा कि हिस्ट्री ऑनर्स मिल रहा था मुझे, और हिस्ट्री का मुझे वैसे शौक है, शौक है हाँ, पर वैसा ऊपर ऊपर वाला शौक है, और मैं सोच रहा था कि बचपन में वो नेट जियो ने बिगाड़ दी तो आदत, वो तूतन खामन के वो खोद खोद के उन्होंने ऐसा कर दिया कि ये तो खोदेंगे तो मिल ही जाएगा कहीं, मिलता ही है, और मैं सोचा आर्कियोलॉजी कर लेंगे, सही है, फैसिनेशन तो वही होता है, फैसिनेशन था मेरा वो आर्कियोलॉजी के लिए, किया कभी किया एक्सकवेशन साइट का भाई, मेरा बबल बस्ट हो गया यार सारा, पहली क्लास में बैठ के चाइना की हिस्ट्री से शुरू किया उन्होंने, जिसमें नाम एक से शुरू होते हैं खत्म वाई पे होते हैं, ओह शिट, और प्रोनाउंसिएशन जी होता है, हाँ और आप उसको बोल नहीं सकते और लिख तो वैसे नहीं पा रहे आप। भाई ये तो फ्रेंच टाइप हो गया, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा उसमें क्या है, फिर धीरे धीरे वो इंडियन हिस्ट्री पे आए, इंडियन हिस्ट्री से आके आके वो कौन सा है रेनेसां पे चले गए, रेनेसां से इधर उधर गए, फिर यूरोपियन हिस्ट्री आई होगी, फिर यूरोपियन हिस्ट्री आई, फिर रशियन आई, यूएसएसआर वाली आई, भाई मैं तब समझ गया, मैंने नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं नहीं, मैंने पास हो निकलो गायब, बस। तो मतलब फिर 2015 बोले तो आप कॉलेज में रहते रहते ही चालू कर चुके थे क्या? नहीं हाँ कॉलेज के यूट्यूब चालू नहीं किया था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं एक रेस्टोरेंट में आई यूज्ड टू परफॉर्म, यस आई नो दैट 5000 वाला जो सैलरी थी, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में चालू किया था मैं, वो तीन ऑटो में व्यक्ति विशेष जो है वो बिलीव नहीं कर रहे हैं कि आपको देख लिया, वो मास्क उतार के देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई मास्क उतार के देख रहे हैं, बट वो तीन क्लियर विजन आता होगा, क्लियर विजन मास्क और जैसे गाना, जैसे गाना कम करते हैं ना कुछ चीज देखने के लिए गाना कम कर देते हैं, होता है ना कुछ सेंस होता है ये, कान और आंख का, जैसे गेम कर रहे हो तो आप यूं मिलते हो, है ना, सिंगिंग वाला जोन, व्हाट इज दैट स्ट्रगल लाइक, आर यू गोइंग होटल टू होटल और डिड यू गेट वन एंड देन यू फिक्स इट, वन होटल हाँ, तो वो मैनेजर बहुत अच्छे थे, उन्होंने स्ट्रिक्ट थे वैसे, तो उन्होंने बोला था कि बेटा आप कुछ भी करो लाइफ में, आपका जो मने करो, मेक श्योर 8 बजे यहीं आना है, आई डोंट केयर व्हाट यू डू आउटसाइड ऑफ दिस रेस्टोरेंट, आप वापस 8 बजे इधर ही आएंगे, 8 से जब तक लास्ट कस्टमर नहीं जाता तब तक आप परफॉर्म करेंगे, ओके बहुत प्यार से बोलते थे ऐसे ऐसी बातें, और वो 1:30 बजे तक चलता था, 1:30 बजे तक चलता था, मैं 3:30-4 बजे आ चुका हूँ घर वापस, इस चक्कर में मैं कॉलेज ज्यादा नहीं जा पाया, मेरी अटेंडेंस इतनी खास नहीं थी कॉलेज में, क्योंकि सुबह सुबह आता था मैं, बहुत लेट आता था, बैक बैक नहीं लगी फिर, है बैक बैक नहीं लगी, लगी है बैक्स, कितनी, दो बैक्स थी, वो भी फर्स्ट ईयर की, क्योंकि फर्स्ट ईयर में नया नया ज्वाइन किया था तो तब लगता था क्या है कॉलेज, पढ़ाई देख लेंगे देख लेंगे, फिर घर वालों ने बोला अबे सुन बैकिंग क्लियर नहीं होती सालों साल, करेक्ट, तो हमने कहा ठीक है, तो फिर वहाँ परफॉर्म करते थे, और जब अब गाने लग रहे हो आप लोगों के सामने तो आपको ना गाते गाते रियलाइज होता है एक टाइम के बाद मोनोटोनस हो जाता है सब, क्योंकि आप सेम प्लेलिस्ट गा रहे हो ना रोज, बस एक वेरिएशन कर दी, किसी ने रिक्वेस्ट कर दी, वो कर दिया, तो अब आप गा रहे हो तो आपको रियलाइज होता है यार मैं अपने क्यों नहीं लिख सकता, अपने लिखने चाहिए, फिर वहां से लिखने का चुल शुरू हुआ कि लिख के देखता हूँ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खराब लिख दूंगा, तो बनाया गाना और यूट्यूब पे डाल दिया, तो वही 10-12 लोग जो आसपास के हैं उन्होंने बस आउट ऑफ कर्टेसी देखा, उन्होंने बोला नाइस भी नहीं, थम्स अप, हाँ तब गोल्डन थम्स अप नहीं था, एक ही नॉर्मल, हाँ एक आता था।